यहाँ पर रुई फिल कर देनी है, सभी पीसेस में फिल कर देंगे। मैंने कपड़े की कटिंग कर ली है, जैसे एक पीस में लूंगी इसका और एक पीस में इस कलर का लूंगी। ये पीस है हमारा, ये बड़ा है, ये इससे छोटा है, तो ये हमारा मेजरमेंट में 5 इंच है यहाँ से, और इस साइड से भी हमारा ये 5 इंच है। 5x5 का ये ब्लॉक है, ये हमारे 16 ब्लॉक हैं, 16 ब्लॉक्स हैं कपड़े के, ऐसे मैंने कट कर लिए हैं। ये हमारा दूसरा ब्लॉक है, ये इससे छोटा है, ये हमारा 4 इंच है यहाँ से भी हमारा 4 इंच है, 4x4 का ये हमारा ब्लॉक है, ये भी हमारे 16 ब्लॉक्स हैं, 16 ब्लॉक्स हैं। एक पीस मैंने इसका लिया है और एक पीस हमारा ये है, इनको हमें रेडी करना है। ये पीस है हमारा, इसको हम उल्टा साइड है ये कपड़े की, सीधा हमारा इस साइड आएगा, ऐसे रखेंगे, और ये दूसरा पीस है, इसको हमें इसके बराबर करना है। तो ये हमारा 4x4 का है और ये 5x5 का है, ये पीस है हमारा, तो इसको हमें इसके बराबर करना है। तो यहाँ पे एक हमें प्लीट डालना है इस तरह से सेंटर में, तो यहाँ पे मैं ये पिन लगा लूंगी। अब ये दूसरी साइड है, ये भी हमारा बड़ा है, तो इतना ही हमें यहाँ पे एक प्लीट लगाना है इस तरह से, सेंटर में हम लगा लेंगे और दोनों कपड़े ये हमारे बराबर हो जाएंगे इस तरह से करके पिन लगाते हैं। अब ये तीन पीस मैंने पिन लगा के सेट कर दिए हैं, ये हमारा चौथा है, ऐसे हम रख लेंगे एक कॉर्नर में, और दूसरा हम इस तरह से, जो वो हमारा सेंटर में एक्स्ट्रा कपड़ा है उसका हम प्लीट बना लेंगे। अब देखिए ये ऊपर का कपड़ा हमारा इसके बराबर हो गया है, यहाँ पे प्लीट डाल के ऐसे, अब हम यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई कर देंगे, तो ये हमारा सेट हो जाएगा प्लीट। ये मैंने सिलाई लगा दी है यहाँ पे, अब ये पिन हम खोल लेंगे। अब ये हमारा पीस इस तरह से, ये एक्स्ट्रा कपड़ा हमारा इस तरह से आ जाएगा, बाद में हमारा यहाँ डिजाइन बनेगा। इसी तरह से हमें ये सारे पीसेस रेडी करने हैं, ये सारे पीस मैंने सिल के रेडी कर दिए हैं, ये हमारे 16 पीसेस रेडी हो गए हैं। अब इनको हम सेट करेंगे, हम इस तरह से लगाएंगे पीसेस को। ये सारे पीसेस मैंने सेट कर दिए हैं, जैसे 1, 2, 3, 4 लगाए हैं हमने, 4, ये हमारे 16 पीसेस हैं, सेट हो गए हैं। अब हम इनको स्टिच करेंगे, जैसे ये पीस है इसको हम इसके साथ यहाँ पे ऐसे सिलाई करेंगे, फिर इसके बाद हमारा ये पीस जुड़ेगा, इसके बाद हम ये जोड़ेंगे। ये चारों पीसेस मैंने ज्वाइंट कर दिए हैं इस तरह से, ये बाकी के भी हम ऐसे ही ज्वाइन करते हैं। ये सारे पीसेस मैंने ज्वाइन कर दिए हैं, अब हम इनको इस तरह से ज्वाइन करेंगे, तो यहाँ पे हम सिलाई लगाएंगे। ये सिलाइयाँ हम बराबर करके फिर सिलाई लगाते हैं, ये सिलाई मैंने लगा दी है इस तरह से। अब ये पीस है इनको भी हम ज्वाइन करेंगे, पहले हम ये ज्वाइन करेंगे, उसके बाद ये भी इसके साथ सिलाई लगा के ज्वाइन करते हैं। सारे पीसेस मैंने अटैच कर दिए हैं इसके साथ, पूरा हमारा इस तरह से दिख रहा है, बैक साइड हमारी ऐसी है। अब हम यहाँ से रुई भरेंगे इसमें, ये हमारा, तभी मैंने ये बड़ा कपड़ा लिया है, यहाँ पे हम रुई भरेंगे। अब रुई कैसे भरेंगे, ये सारा तो हमारा स्टिच है, तो जैसे ये हमारे सारे ब्लॉक डबल डबल हैं, तो ये कपड़ा हमारा दोनों अलग अलग है, इस कपड़े को हम इस तरह से, ये सिंगल कपड़ा लेंगे, यही हमारा पीछे का नहीं लेना हमें, यही लेना है, और यहाँ सेंटर से हमें इस तरह से लेना है और यहाँ से कट लगाना है। ये हमारा कट लग गया, सभी में हम ऐसे ही कट लगाएंगे। अब ये कट्स मैंने लगा दिए हैं, सारे पीसेस पे हमारे इस तरह से कट लगेंगे। अब ये कट है हमारे, इसमें हम रुई फिल करेंगे, यहाँ पे हम जैसे हमारे पास कोई पुराने दुपट्टे हैं उनको भी कट करके भर सकते हैं, जहाँ हमारे पास कुछ पीसेस हैं कपड़े के वो भी हम भर सकते हैं छोटे छोटे काट के। तो यहाँ पे हम ऐसे रुई को भरेंगे, तो ये होल है हमारा, यहाँ से हम थोड़ा थोड़ा रुई करके भरेंगे इस तरह से, फिल कर लेंगे। ये मैंने रुई इसमें फिल कर दिया है, ऐसे ही बाकी भी भरेंगे हम, जैसे ये दूसरा है हमारा, इसमें भी हम ऐसे फिल कर लेंगे। जितना आपको ज्यादा भरना है, कम या ज्यादा, ना ज्यादा भरे ना कम, मतलब एकदम मीडियम सा भरेंगे हम, जितना इसमें फिट हो जाए। ये मैंने दो में भर दिया है, बाकी के भी हम सभी इसी तरह फिल करते हैं। ये रुई मैंने फिल कर दी है सभी में, एकदम बराबर आनी चाहिए हमारे सभी पीसीस में रुई, तभी हमारा अच्छा दिखेगा। अब ये हमारे होल हैं यहाँ पे, इनको हमें सिलना है, मशीन से भी हम सिल सकते हैं, अगर आप सिल सकते हैं तो मैं यहाँ पे हाथ से सिलना बताऊंगी।
जैसे ये डबल धागा लिया है मैंने, इस तरह से हम रफली सिलेंगे क्योंकि हमारा यहाँ पे कपड़ा आएगा, तो इस तरह से सिलेंगे हम। इससे क्या हमारी रुई निकलेगी नहीं बाहर। ये मैंने सिल दिया है इस तरह से। अब यहाँ पे हम नोट लगा लेंगे और एक्स्ट्रा धागा हम कट कर लेते हैं। ये मैंने इस तरह से सिल दिया है। ये बाकी के होल हैं हमारे, ये भी हम इसी तरह सिल के रेडी करते हैं। अब ये सारे स्टिचेस मैंने लगा के इसको बंद कर दिया है। इस तरह से हमारा ये पूरा बन गया है। अब ये देखिए हमारी ये फ्रंट साइड ऐसी दिखेगी, इस तरह से हमारा ये फ्लफी बन गया है। अब ये साइड हमारी इस तरह से है यहाँ पे, तो यहाँ पे हमें कपड़ा लगाना है। जैसे ये मैंने कपड़ा लिया है, ये कपड़ा मैंने लिया है, ये कपड़ा हमारा इसके इससे थोड़ा बड़ा है, जैसे 1 1 इंच हम बड़ा रखेंगे चारों ओर से। जैसे ये कपड़ा है, इसको हम यहाँ से इस तरह से फोल्ड करेंगे एक, और फिर से एक और फोल्ड करेंगे यहाँ पर ऐसे। ये मैंने पिन लगा दी है। अब यहाँ से हम सिलाई करेंगे, मशीन से भी कर सकते हैं, यहाँ पे मैं हाथ से कर रही हूँ। ऐसे हम डबल धागा डाल लेंगे नीडल में, यहाँ पे नोट लगा लेंगे। इस तरह से हम छोटे छोटे स्टिच लगाएंगे। ये हमारा ये बीच में आना चाहिए, तभी हमारा ये बराबर होगा, सेट होगा। तो यहाँ पे हमें ऐसे स्टिच लगाते जाना है, सिंपल सीधा स्टिच हमें लगाना है इस तरह से। यहाँ पे हमारी मशीन भी चल जाएगी क्योंकि हमारा रुई है, तो यहाँ ध्यान से थोड़ा करेंगे तो हमारा मशीन से भी ये हो जाएगा सिल के। इस तरह से हम पूरा यहाँ तक सिलते हैं। ये साइड मैंने सिल दी है यहाँ तक। अब हमारा ये दूसरी साइड है, तो यहाँ पे भी हमें ऐसे फोल्ड करना है और फिर से एक और फोल्ड करके यहाँ पे भी हमें सिलाई लगानी है। तो ये चारों ओर से हमें सिल देना है। अब ये सिलाई मैंने लगा दी है, यहाँ पे हमारी पूरे सिलाई लग गई है चारों ओर से। इस तरह से हमारा ये बन गई है गद्दी। ये हमारी बैक साइड है फ्रेंड्स। ये मैंने गद्दी बनाई है, जैसे कि कुर्सी की गद्दी होती है, जहाँ हम डोरमेट भी बना सकते हैं। इसका हम जैसे रजाई भी बना सकते हैं, ऐसे हम पूरा बड़ा बड़ा के बड़ा करके एक रजाई बन जाएगी हमारी। कुछ भी अपनी इमेजिनेशन से हम इसका बना सकते हैं बड़ा करके। देखिए कितना प्यारा हमारा लग रहा है। वीडियो अगर अच्छा लगे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो बेल बटन भी दबा लें, जिससे कि मेरे अगले आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको इजीली मिल जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।